नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। चिन्मय प्रभु को रिहा करने और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग में हिंदू जागरण मंच ने सिलीगुड़ी में निकाली रैली। सिलीगुड़ी नगर निगम ने फोर लेन के लिए जमीन गंवाने वाले परिवार को दिए पट्टे। सिलीगुड़ी में 40 छात्रों के टैब के पैसे गायब, टैब घोटाले में मालदा से एक और गिरफ्तारी। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु को रिहा करने और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग में हिंदू जागरण मंच ने सिलीगुड़ी में निकाली रैली। बांग्लादेश के चटगांव इस्कॉन पुंडिर धाम के अध्यक्ष महंत चिन्मय कृष्ण दास को रिहा करने की मांग और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग में हिंदू जागरण मंच की ओर से निकाली गई रैली। यह रैली सिलीगुड़ी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सिलीगुड़ी में निकाला। संगठन के सदस्यों ने सिलीगुड़ी के बागा जतिन पार्क से सिलीगुड़ी महकुमा शासक कार्यालय तक जुलूस निकाला। संगठन के सदस्यों ने वहां पर अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। आज हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सिलीगुड़ी की धर्म नगरी में पूरा सनातन हिंदू अपने समाज की रक्षा हेतु सिलीगुड़ी के महानगर के सड़कों पर उतर आया है। इसका मुख्य उद्देश्य है अपने जो पूजनीय संत चिन्मय कृष्ण दास जी इस्कॉन के प्रमुख बांग्लादेश के, अपने हिंदुओं की रक्षा हेतु, हिंदू समाज को एकजुट करने हेतु जो आवाज बुलंद कर रहे थे, कट्टरपंथी समर्थित मोहम्मद यूनिस की सरकार उनको बिना कोई कारण बताए बांग्लादेश के एयरपोर्ट में अरेस्ट करती है और अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन अदालत उनको रिहा करने से मना कर देती है। तो ऐसा क्यों है कि विश्व भर में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है, भला वो कनाडा हो या बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हम हिंदू भाइयों पर, उनकी आस्था पर, उनकी धन संपत्ति पर, उनके घर के माँ बहनों पर दुराचार, अत्याचार और आघात किया जाता है। 5 अगस्त से ये अस्थिरता बांग्लादेश में है, जिसका राज मोहम्मद यूनिस, जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था शांति प्रिय होने के कारण। सिलीगुड़ी नगर निगम ने फोर लेन के लिए जमीन गंवाने वाले परिवारों को दिए पट्टे। सिलीगुड़ी नगर निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए अपनी जमीन गंवाने वाले 76 परिवारों को पट्टे प्रदान किए हैं। माटीगढ़ा से सालूगढ़ा तक फोर लेन सड़क परियोजना के तहत 45 परिवारों को 45 नंबर वार्ड और 31 परिवारों को 2 नंबर वार्ड से जमीन छोड़नी पड़ी थी। मेयर गौतम देव ने और अन्य पार्षदों ने इन परिवारों को पट्टे सौंपे। मेयर ने बताया कि राज्य सरकार की आवास योजना के तहत इन परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। इन इज 31 যেটা ইন স্টেইন এখন কাজ হচ্ছে 45 আর 2 নম্বর ওয়ার্ডের বর্ডারিং এরিয়া 31 টি পরিবার তারা ওখান থেকে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য তাদের সরে যেতে হচ্ছে। তো 31 টি পরিবারকে আমরা উজানো মোড়ে ওয়ার্ড নম্বর 46 এ তাদের জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা রাজ্য সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ করে আমরা কার্যকর ভূমিকা নিতে পেরেছি। ইউএলডিসি আমরা জরুরি মিটিং করে 31টি পাট্টা দেওয়ার কাজ সেটা সম্পূর্ণ করেছি। 31 জনের মধ্যে একজন বিনা রায়, তিনি প্রয়াত হয়েছেন, তার পরিবার সমস্ত ডকুমেন্ট দিলে সেটাও আমরা প্রক্রিয়াটা করব। আজকে 30 জনের হাতে জমি কাগজ পাট্টা শংসাপত্র এটা দেওয়া হবে। আমি 5টা কাগজ তুলে দিলাম আমাদের অন্যান্য আধিকারিকরা এবং আমাদের এমআইসি, আমাদের বড় চেয়ারপারসন ডেপুটি মেয়র আসবেন, উনি হয়তো রাস্তা আছেন, ওনারা করবেন। আমি একটু জরুরি কাজে একদিন জন কলকাতা যাচ্ছে, আবার ফিরে আসবো দুপুরের মধ্যে। তো তারাগুলো আছে একটু আজকে তাদের এটা দিয়ে দিচ্ছেন, তারা সেখানে বসতি করতে পারবেন। এবং ভবিষ্যতে আমরা বাংলা আবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে ডিম প্রজেক্ট নির্দেশ করেছেন, তাদের আবাস নির্মাণের জন্য আমরা প্রক্রিয়া গ্রহণ করব।
सिलीगुड़ी में 40 छात्रों के टैब के पैसे गायब। टैब घोटाले मामले में मालदा से एक और गिरफ्तारी। मालदा के वैष्णव नगर से ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में टैब घोटाले में शामिल एक व्यक्ति मनोज चौधरी को गिरफ्तार किया है साइबर क्राइम पुलिस ने। सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस ने यह घोटाला सिलीगुड़ी के 40 छात्रों के टैब के पैसे गायब होने से जुड़ा हुआ बताया। मनोज चौधरी पर आरोप है कि उसने अपने CSP के जरिए छात्रों के टैब के पैसे गमन किए। पुलिस ने उसे मालदा से गिरफ्तार किया और सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया। सिलीगुड़ी में बढ़ रही है चोरी की घटनाएं। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने चोरी के 3 अलग अलग मामलों में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 24 सितंबर को PCM हाउस में AC के पाइप और तार चोरी होने के मामले में मोहम्मद छोटू और राम प्रसाद मंडल को गिरफ्तार किया गया। 12 नवंबर को इंडस्ट्रियल एस्टेट में हुई चोरी के मामले में पापन दास को गिरफ्तार किया गया और 26 नवंबर को एक दुकान में चोरी के मामले में संजय दास को पकड़ा गया। पुलिस ने चोरों से सारा सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी आंगनबाड़ी केंद्र में कराया गया बच्चों का अन्न प्रसन्न संस्कार। सिलीगुड़ी माया कॉलोनी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का अन्न प्रसन्न संस्कार कराया गया। इस अवसर पर विशेष भोजन की व्यवस्था की गई थी जो अन्य दिनों से बिल्कुल अलग था। आज गर्भवती माताओं को भी आशीर्वाद यानी साध कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन सिलीगुड़ी से सटे डाबग्राम 2 नंबर ग्राम पंचायत एतियासाल मोहिपाल BSP स्कूल में किया गया था। करीब 150 लोग मौजूद रहे। অনুষ্ঠানটা হচ্ছে একদিকে তো সবারই ভালো হচ্ছে, সবাই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সব একসাথে মিলে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, দেখতে খুব ভালো লাগতেছে এগুলাই আর কি। সুবিধা কি সব মনে করো অনেক মানুষে আর্থিক সঞ্চয়ের জন্য অন্নপ্রাশন দিতে পারে না, এইটা হিসাবে অনেক বাচ্চার সুবিধা হয়ে গেল, অন্নপ্রাশনটা হয়ে যাচ্ছে, খরচও অনেক বাইচে যাচ্ছে অনেকজনই। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। क्या आप विश्वास करेंगे ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें बाद में पेमेंट बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा, ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd mile नेक्स्ट टू जूडियो बिलो टाटा मोटर्स सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। इतनी देर हेयरफॉल उनसे की मदद दिख का भई सके। बाथरूम तो एंटी हेयरफॉल को दुकान नहीं भई सके, अनि मेरे सिर एंटी हेयर नहीं रहियो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेंड गर्यो सोमानी वेलनेस बाट हेयर गमी पैक्ड विथ जिंक एंड बायोटिन फॉर माय हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिंग न्यू मार्केट क्यान्टो। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सिडवेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furniture's with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भैरो फल फूल दिन्छ। त्यसरी नै SIP मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईँले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोस मिलाई SIP मा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड र धेरै धेरै पुरस्कार हरू टिकट 500 रुपया ड्रॉ 14 दिसंबर पहलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता अनवर के तपाई हुनुहुन्छ यस पालीको करोडपति। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र हुए घायल। जलपाईगुड़ी जिले के मंडल घाट ग्राम पंचायत के सनी मंदिर क्षेत्र में एक पिता और पुत्र दुर्घटना का शिकार हो गए। सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद वे गपशप कर रहे थे, तभी एक चार पहिया वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय निवासियों ने मदद की और दोनों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। বাবা আর ছেলে বাইকের মধ্যে বসে গল্প করছিল, পিছন থেকে একটা গাড়ি এসে প্রচণ্ড জোরে মারছে। বাবাটার অবস্থা খুবই খারাপ, শুনতেছি ওটাকে ডাক্তারবাবু গাড়ি আবার ডাক্তারবাবুই নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ফোন করে এসে নিয়ে চলে গেলেন জলদস্তলাতে জলপাইগুড়ি। কোথায় হয়েছে এটা? এটা হচ্ছে ইটভাটার সামনে শনি মন্দিরের পাশে। बालू माफियाओं ने किया पुलिस पर हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने पर बालू तस्करों ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। पुलिसकर्मी गश्त पर थे, तभी उन्होंने ट्रैफिक को रोका और बालू माफिया से बहस शुरू हो गई। माफियाओं ने पुलिसकर्मियों को घेर कर उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। धूपगुड़ी थाने के आईसी मौके पर पहुंचे और 2 माफियाओं को गिरफ्तार कर थाने ले आए। इलाके में पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण किया गया। কাজীপুরা লাস্ট সিমনে গোলামুন্ট্রি মোড়ে না, ঘটনা তার আগেই, মানে সন্ধ্যার আগে মানে একটা বালু পাথরের গাড়ি নিয়ে কিছু হামলা হয়েছিল। তারপরে আমি বালু পাথর গাড়িতে কি ছিল, ট্রাক্টর ছিল না? ট্রাক্টর ছিল, ওটা নিয়ে হামলা হয়েছিল। তারপরে এইখানে আমি বাড়িতে শুয়ে আছি, শরীর অসুস্থ। তারপরে দেখি যে অনেক লোক ওইখানে গেলাম, যে পুলিশ প্রশাসন আছে। হ্যাঁ, এবার এখানে যে একটু সামনাসামনি করলাম, বাড়িতে বহু প্রচুর লোক ধরো মারো বলতেছে। এবারে ধরো মারো কাকে মারছে? মানে পুলিশের উপরে পাবলিক চিল্লাচ্ছে, সে দাঁড়িয়ে ধরছে। তারপরে আমরা গেলাম, এক পুলিশ দুজন ছিল ঘরের ভিতরে। আমরা ওইখানে যে পুলিশকে মারধরের অভিযোগ উঠছে স্থানীয় বাসিন্দার, তো আসলে কি মারধর হয়েছে দেখি ওটা দেখিনি আমি, পরে গেছি। হ্যাঁ, তারপরে পুলিশ দুজন ঘরের ভিতরে ছিল, ওইখানে অঞ্চল সভাপতি ছিল, আমি ছিলাম। এবার বলতেছে গাড়ি ভাঙচুর হয়নি কিছু, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যখন ওই দাড়ি ধরার কথা একটা উঠলো, যে বুড়াটার কথা উঠলো, সেই বুড়াটাকে ডাক দিয়ে নিয়ে গেলাম পুলিশের সামনে, যে দেখো বুড়ার দাড়ি কী ধরছেন। তা ধরি নেই, বুড়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, বুড়া বললো যে না, আমার দাড়ি ধরে নাই। তোমাকে পাবলিক এত হুজুর কেন? হ্যাঁ, এইবার ঘটনা হচ্ছে কোলার নাকি ধরছিল। কে ধরছে কোলার? পুলিশে আপনি দেখছেন। আমি मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की की तलाश के लिए कोर्ट ने जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के पुलिस अधीक्षकों को दिया एसआईटी गठन करने का आदेश। यह लड़की 6 महीने पहले अलीपुरद्वार महिला थाने से लापता हो गई थी। पुलिस ने लड़की को बचाकर उसके पिता को सूचना दी थी, लेकिन जब वे सुबह थाने पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि उनकी बेटी को बस में बैठा दिया गया था। इसके बाद परिवार ने लीगल राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की की तलाश के लिए एसआईटी के गठन करने का आदेश दिया। इसको होते बोले जे आमी जलपाईगुड़ी থেকে এসেছি এবং আমাকে যদি টাকা পয়সা নেই, আমি যদি টাকা পয়সা পাই তাহলে আমি বাড়ি ফিরে যাব। রাতে যেহেতু কোনো কমিউনিকেশন ছিল না, পুলিশ স্টেশনে আনা হয় ফর এজ প্রিভেন্টিভ মেজার্স। পরের দিন তাকে টাকা পয়সা দিয়ে দেওয়া হয় এবং ও বলে যে আমি বাড়ি ফিরে যেতে সক্ষম এবং বাড়ি ফিরে চলেও যায়। বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য তাকে টাকা পয়সা দেওয়া হয়, বাড়ি ফেরার নাম করে সে চলে আসে। সাবসিকোয়েন্টলি এফআইআর হয় যে মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে। সাবসিকোয়েন্টলি আলিপুরদুয়ার পুলিশ স্টেশন, ওমেন পুলিশ স্টেশন হ্যাড রিসোর্টেড অল মেকানিজম, যা যা করার দরকার, পোর্টালে যা যা সমস্ত জায়গায় পাবলিকেশনস পোর্টালে ইনফরমেশন দেওয়া, তারপরেও পাওয়া যায়নি। ম্যাটারটা যখন লাস্টলি আসে অনারেবল ডিভিশন বেঞ্চে, তখন কোর্ট দেখে যে ডিসপাইট টেকিং অল স্টেপস তাকে মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে না, এবং সেখানে আমি বলি যে এটা হেভিয়াস কর্পাস না, ক্যান নট বি ট্রিটেড। সেটা কোর্ট পরে বলেছে দ্যাট ক্যান বি ডিসাইডেড লেটার, প্রথমে ওই লেডিকে রিকভারি করা হোক। সেই জন্য জলপাইগুড়ি এসপি এবং আলিপুরদুয়ার এসপিকে বলা হয় যে কম্প্রাইজিং দিস 2 এসপি শ্যাল ফর্মুলেট আ টিম টু ফাইন্ড আউট দি লেডি
এবং অল দি পসিবল স্টেপস টু বি টেকেন। মানে সিট গঠনের নির্দেশ, মোরলেস ইজ এ সিটি বাট দি টু এসপিস উইথ দি কনসালটেশন উইথ দ্যাট ফর্মুলেট টিম। যদি मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक्शन में आया पीएचई विभाग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को घरों तक नल से जल पहुंचाने की योजना में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को योजना को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद जलपाईगुड़ी में जल जीवन मिशन की गति तेज हो गई। पीएचई विभाग ने बताया कि सदर प्रखंड के पहाड़पुर सहित कई इलाकों में पेयजल जलाशयों का निर्माण हो रहा है। हालांकि पहाड़पुर ग्राम पंचायत के उपप्रधान ने धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की, साथ ही अधिकारियों की लापरवाही का भी आरोप लगाया। কতদিনের সমস্যা জলের, বাড়ি বাড়ি জলের প্রবলেম? डुआर्स की चाय ब्रांडिंग के लिए विशेष सम्मेलन का होगा आयोजन। छोटे चाय उत्पादकों ने डुआर्स की चाय की ब्रांडिंग के लिए एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया। लघु चाय किसान संगठन के अध्यक्ष विजय गोपाल चक्रवर्ती ने आज जलपाईगुड़ी जिला कार्यालय में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा 1854 में अंग्रेजों ने गजल दोवा में पहला चाय बागान स्थापित किया था, लेकिन आज तक डुआर्स की चाय का कोई ब्रांड नहीं है जैसे असम और दार्जिलिंग की चाय का है। 30 नवंबर को लाटागुड़ी में चाय विशेषज्ञों की उपस्थिति में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आज के सांवादिक बैठक की कारण है जिदिक बोलें तो हमारे आज के এখানে প্রেস কনফারেন্সটা করার উদ্দেশ্য এটাই যে আমরা জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষী সমিতি আজকে জলপাইগুড়িকে জলপাইগুড়ি চাকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং সারা বিশ্বে বরণীয় করে রাখতে আমরা একটা বড় উদ্যোগ নিয়েছি। সেই উদ্যোগটা হচ্ছে 1874 সালে গাজলডোবাতে প্রথম অবিভক্ত জলপাইগুড়ি, তখন বাংলাদেশ সবাই একসাথে ছিল, তখন জলপাইগুড়ি জেলাতে বুরহান সাহেব তিনি গাজলডোবাতে 1874 সালে চা গাছ লাগিয়েছেন কমার্শিয়ালি। তাহলে 1874-2024 150 বছর, এই যে 150 বছরের একটা গৌরবময় গাথা যাকে বলে মেমোরেবল সাগা অফ ডুয়ার্স টি ইন্ডাস্ট্রি, সেটাকে স্মরণীয় করতে আমরা আগামী 30 নভেম্বর লাটাগুড়ির একটি হোটেলে আমরা একটা ডুয়ার্স টি কনক্লেভ করতে চলেছি। এই ডুয়ার্স টি কনক্লেভের আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, যেরকম বড় বাগান থেকে 150 বছরে বড় বাগান প্রায় 120-125 বছর তারাই রাজ করেছে, তারপরে একটা 90 প্রজন্মের হাত ধরে এটাকে বলে হচ্ছে রুরাল বা আমাদের আধা শহরের যারা উদ্যোগী, সরকারি সাহায্য ছাড়াই উদ্যোগীরা যেভাবে ক্ষুদ্র চা চাষকে তুলে ধরেছে সেটাও আমরা এখানে একটা হাইলাইট করব। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया मा 1 करोड़ केवल 6 रुपया मा किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया का 6 रुपया मा 1 करोड़ 6 रुपया मा 6 रुपया डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।